हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ रेसिडेंट हैं मिस्टर त्यागी, और त्यागी जी बहुत एक्टिव रहते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया कि हर उम्र के लोग हैं, हर उम्र के लोगों की अलग अलग तकलीफें हैं, उसी तकलीफ की एक वानगी हम इनसे सुनते हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे इतने साल रहते हुए आपने कई लोगों को देखा आते जाते हुए, कई लोग आपसे आते हैं, साक्षात्कार करते हैं और अपनी दिक्कतें बताते हैं। ऐसा क्या है कि इस एज में, इस कोविड के दौर में आपने चिंता नहीं की और आप यहाँ पे आके सबके साथ बेस्ट से शामिल हुए? आपको पर्सनली क्या दिक्कत, अगर हम आप पर्सनली भी बात करें तो क्या दिक्कत है? लाइट की है, पानी की है, बिजली का बिल नहीं देते हैं। मेरे को, मैं 70 साल का आदमी हूँ, जीएम ने फोन किया बिल इनके पहुँचाओ, 2 महीने बिल नहीं है। फिर मैं गया, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे कि 2 दिन बाद मिलेंगे, 6 महीने बाद जाके मिले, वो भी बिल सही नहीं है। सोच लीजिए, व्यवहारिक दिक्कत है, ऐसे अकेले नहीं है ये सर, अकेले नहीं है, ऐसे तमाम रेसिडेंट्स हैं जो भुक्त भोगी हैं, जो ये चीज महसूस कर रहे हैं, और उनको बिजली कुछ और होती है, बिजली का रेट कुछ और होता है, और बिजली के जो कागजात हैं, जो उनके हाथ में बिल आता है, दैट इज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज है। अब नवीन जी हमारे साथ है, नवीन जी आप बताइए कि आप यहाँ पे क्या, इन्होंने बताया आप परिवार के साथ रहते हैं, बच्चा भी है, और आपके घर से आपके पिता भी आते जाते रहते हैं, सिर्फ हमको जो दिया है वो पेंशन दिया है यहाँ रहने पर, टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया। सबसे बेसिक जो कम्युनिकेशन का और यहाँ पे बिजली पानी की समस्या तो आम समस्या है, जो कि हर किसी को फेस करनी पड़ती है। बिजली यहाँ पे आती है, 17-18 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे रहती है। तो बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी समस्याएं हमें हर किसी को फेस करनी पड़ रही हैं। अभी आप बताइए कि कोई, हम आज घर से काम करते हैं और घर पे काम कर रहा है, मान लीजिए हमारी कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट चल रही है फॉरेन क्लाइंट के साथ, बिजली कट गई, 5 मिनट लगता है शिफ्ट होने में इंटरनेट, तो 5 मिनट में तो क्लाइंट भर जाता है हमसे, फिर मीटिंग हमारी फेल हो जाती है। तो हम कितना हरास, कितना झेल रहे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा इनको है ही नहीं। और आप लोग कितनी देर से यहाँ बैठे हैं, और अभी तक किस अधिकारी ने आपसे बात की, किसी ने आके आपके हालचाल लिया, यहाँ पे कोई आया जिसे बोला कि आप लोग इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए कोविड के इस दौर में, तो किसी ने आपके, आपका पुरसा हाल लिया यहाँ आके? ये इतने संवेदनशील है ही नहीं हम, ना तो हम इनसे उम्मीद करते हैं आना, तो दूर ये हमसे बात तक नहीं किए कि आप कैसे हैं, कैसे बैठे हैं, कब से बैठे हैं। वैसे हम यहाँ पे सुबह से बैठे हैं और हमारा प्लान है कि हम ये तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी समस्याओं को सुन नहीं लेते। ये अनिश्चितकालीन आप कह रहे हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये हमारी, और ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देते। अच्छा, मांगे जिसमें क्या क्या है? मांगों में हमारी है कि बिजली हमको, एक तो ये गवर्नमेंट की बिजली करे, दूसरी है मल्टी पॉइंट, हाँ बिल्कुल, और दूसरा ये जो पानी का कनेक्शन है, ये अभी हमको बोरिंग का पानी देते हैं, ट्रीटेड पानी नहीं हमारे पास, सीवर का कनेक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनका है ही नहीं, वेस्ट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग है ही नहीं, स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, क्या ये सोचते हैं कि हम सिटी वाले बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, इम्यून कोड है, हमको कोई रोग नहीं होगा, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमारे भी घर वाले लोग हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हम उनकी देखभाल कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, अगर रात को बीमार पड़ते हैं उनको कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास कोई बेसिक सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो ये अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम रख के हम अपनी सिटी बसा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपने जो व्यवहारिक दिक्कत है उसकी तरफ आपने जो इशारा किया, वो मैं समझ रही हूँ कि आपको अगर सर दर्द भी होता है तो एक सेरेटॉन लेने के लिए भी आपको भला, और इस वेट सिटी के बगल में एक छोटा सा गांव है नाइफल, जहां नाइफल में जाके आपको सेरिडॉन मिल जाएगा, लेकिन वेव सिटी के अंदर ये सुविधा आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे वेव सिटी नाइफल में भी इवन वो टाइम बाउंड होता है कि 10 बजे के बाद अगर किसी को बीमारी होती तो नहीं होगा, उसको हाईवे के बाहर कहीं ना कहीं ले जाना है। आप सोचिए जिसके घर में छोटा बच्चा है और बूढ़े माँ बाप है, वो कैसे जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवहारिक दिक्कत है, ये लोग संवेदनशील है ही नहीं। संवेदनहीनता की आप प्रकाश देखिए कि यहाँ पे लोग सुबह से बैठे हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो आंख पे पट्टी बांधे हुए गांधारी बना हुआ है।